जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, गौ तस्कर सलमान और फैजान के घर की हुई कुर्की। गैंगस्टर एक्ट के तहत जौनपुर पुलिस ने की कार्रवाई। थाना सराय ख्वाजा और थाना अहरौला पुलिस ने की कार्रवाई। डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर हुई कार्रवाई। 1 करोड़ का मकान कुर्क करके तहसीलदार ने किया सील। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर डीएम रविंद्र कुमार के आदेश पर थाना सराय ख्वाजा पुलिस और थाना अहरौला पुलिस ने गौ तस्कर सलमान और फैजान के घर की कुर्की करते हुए तहसीलदार की मौजूदगी में 1 करोड़ रुपए कीमत के मकान को सील कर दिया है। आपको बता दें कि जौनपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। आपको बता दें, सलमान और फैजान दोनों गौ तस्करी समेत कई मुकदमों में वांछित हैं और अवैध तरीके से कमाई करके ये सभी संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जिसके बाद पुलिस ने संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की है। जौनपुर से ये खबर हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिंह ने कवर की है। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में गोकशी करने वाले अपराधियों को नेस्तनाबूद करने, उनके नेटवर्क को समाप्त करने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, उस क्रम में थाना सराय ख्वाजा में एक गोकशी का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त सलमान एवं फैजान के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी। गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत किया गया था, चार्जशीट लगाई गई थी और अपराध से अर्जित संपत्ति को चिन्हित करते हुए इनके विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में, जहाँ के ये रहने वाले हैं, वहाँ पर इनके पैतृक गांव सीठापुर में लगभग 4000 स्क्वायर फुट में निर्मित 1 करोड़ रुपए का जो मकान है, उसको आज जनपद जौनपुर की पुलिस टीम के द्वारा जिलाधिकारी के आदेशानुसार कुर्क करने की कार्यवाही की गई है। ये बहुत बड़ी सफलता है और पुलिस ने न केवल अपराधी को गिरफ्तार किया है और चार्जशीट किया है, बल्कि उसके अपराध से अर्जित संपत्ति को भी, जो एक बहुत बड़ी धनराशि है, उसको कुर्क करने का भी काम किया है। ये सराहनीय है और आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी और पूर्ण रूप से गोवंश की हत्या और उसकी तस्करी को रोकने के लिए पुलिस टीम काम करती रहेगी। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।